हल्का सा भी भाई बैलेंस इधर उधर हुआ तो सीधा वहीं मिलोगे। सूर्यदेव है वो एनर्जी दे रहे हैं, अब हमें सेब देव ये हम एनर्जी देंगे। नमस्कार हम दोस्तों, ये रास्ता जाता है नीलकंठ की ओर, तो अभी हम जा रहे हैं नीलकंठ। पहले आता है अपना चरण पादुका, वहाँ से जाएंगे नीलकंठ। गाय देखो कहाँ चढ़ी हुई है। जय बद्री विशाल। रास्ते में हमें हनुमान जी गुफा मिली। चरण पादुका में पहुंच गए हैं, यहीं पर है चरण पादुका। यहाँ पर श्री बद्रीनाथ जी के चरण हैं। चंद्र पादुका तक आप आराम से आ सकते हो, आपको ज़्यादा ऊंचाई महसूस नहीं होगी, लेकिन उसके बाद थोड़ा ऊंचाई आपको महसूस ज़रूर होगा। बाकी जितनी ऊंचाई है उतना ही सुंदर है। साइड में अलकनंदा जी बह रही हैं, साथ में सांस फूल रही है और प्रकृति के हम और भी समीप हैं। ये देखिए, ये देखिए प्रकृति के चित्र। वो रहा बद्रीनाथ शहर, ठीक है, और यहाँ पर है चरण पादुका। आज का पूरा दिन 20 किलोमीटर इसी से निकालना है हमें बस। चीयर्स, आ जाओ। चीयर्स। सूर्यदेव है वो एनर्जी दे रहे हैं, अब हमें सेब देव ये हम एनर्जी देंगे। इन्होंने एक बहुत खतरनाक बात बोल दी, सेब देव। शॉर्टकट हल्का सा रिस्की होता है पर ज़्यादा एडवेंचरस होता है। यहाँ पे हमें एक पेड़ मिला है और इसमें ना बेरीज हैं, तो ये जंगली बेरीज भी हो सकती हैं, इसलिए हम खा नहीं रहे। कोई लोकल मिल जाए उससे पूछेंगे कि क्या है ये बेरी, अगर खाने लायक हो तो मज़ा आ जाएगा, खाने का जुगाड़ हो जाएगा सही से। रास्ते में आपको ऐसे धार्मिक स्थल मिलते ही रहेंगे। जो नए रास्ते बने यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं और ये अब पुराने रास्ते हैं पत्थरों के ट्रैकिंग में। अब ज़्यादा एडवेंचर स्टार्ट हो गया है। आप जूते ले आएँ अच्छे, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्नीकर्स में तो बिल्कुल ना आएँ, आपके पैरों को भी थोड़ा कंफर्ट चाहिए। एक बार मैंने केदारनाथ में कर लिया था ट्रैक स्नीकर्स में, कॉनवर्स में लोग कर लेते हैं, पर मेरे पैरों की बैंड बज गई थी, तो मैं इस बार प्रॉपर थोड़ा शूज़ ले आया ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो और मैं ज़्यादा इन्जॉय कर सकूँ। नीलकंठ महादेव के बहुत ही समीप है, अभी महादेव जी बादलों से ढके हुए हैं, पर यही सामने वाला जो पहाड़ है यही है, यही है, यही है, यही है।
अब लग रहा है भाई कुछ एडवेंचरस हो रहा है यहाँ पे। उधर जो एकदम मैन मेड जो सारी चीज़ें थी ना वो अब ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पे बहुत कम मतलब लोग तो है ही नहीं और रास्ता भी नहीं दिख रहा। अब कुछ थ्रिल है, ऐसे सपने देखते हैं भाई, अलग ही है यार। हल्का सा भी भाई बैलेंस इधर उधर हुआ तो सीधा वहीं मिलोगे। काफ़ी सही, तो पूरा खाइए और ऐसे समझ लो तो ना इस तरफ प्रेशर पड़ता है, ऐसा लगता है भाई लेते ही जाओगे। दिमाग को एकदम काम रखो, बिना पैनिक हुए चलो, और नीचे देखने में डर लगता है तो मत देखो, बस आगे देखते हुए चलो, रास्ता देखते हुए चलो, यही है बस बात। थोड़ा सा खतरनाक तो है ये रास्ता, मतलब काफ़ी थोड़ा सा नहीं काफ़ी खतरनाक है रास्ता, पर मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ पे भाई काफ़ी देर के बाद ना एक चिड़िया की आवाज़ आई। ओ हो, जस्ट लुक एट दिस, इस हाइट पे आके ना अब हल्का फुल्का फील हो रहा है। प्रकृति में गुम हो गया हूँ मैं अभी। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल इमेजिन नहीं कर रहा था यार, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता होगा इधर। हेलो, कहाँ से आए हम लोग घूम घूम के? अब यहाँ से बद्रीनाथ टाउन भी नहीं दिख रहा, यहाँ से बद्रीनाथ टाउन भी नहीं दिख रहा, और ये पहाड़ देखो कितना बड़ा दिख रहा है सीरियसली। तो ये उसको भाई इसको हम देखते हुए आ रहे थे साइड से कि भाई बर्फ है, असल में इस पे भी चढ़ जाएंगे अब। तो ऐसा है कि हम लोग एकदम क्लोज है भाई, बहुत क्लोज है सीरियसली यार। आप ये ट्रैक अकेले ना करें, आप दो तीन दोस्त हो और खाना साथ में सही से लेकर आए, थकान लगेगी आपको, काफी हाइट है। और ऊपर आज काफ़ी बादल आ चुके हैं अब, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आज स्नोफॉल होने वाला है, बर्फ़ पड़ने वाली है यहाँ पे। क्योंकि वो आवाज़ अचानक और हवा ठंडी हो रही है और एकदम आवाज़ फील हो रही है, पहले कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ऐसा फील हो रहा है कुछ। हाँ, मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है भाई, पूरा नीलकंठ ढक गया बादलों से और यहाँ पे भी ऊपर बादल बादल ही हो रहा है भाई, सब कुछ वाइट ही दिख रहा है और ऊपर देखो पूरा ये बादल बादल ही है। 1.5 किलोमीटर आगे यहाँ से बस वहाँ तक ही है, फिर उसके बाद पूरा दी एंड हो जाता है यहाँ का। बर्फ़ पड़ने लग गई ना, और हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही है अभी क्योंकि ये बादल जो है यही हल्की बारिश वारिश हो रही है, बाकी न्यूज़ में भी आ ही रहा था, तो हमें लग रहा है कि गट फीलिंग से आई ये संकेत है कि यहाँ तक हमें रुक जाना चाहिए। हाँ, यहाँ से हम थोड़ा व्यू ले लें और एक गट फीलिंग से आई यार इसके आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो वहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा भर चुका है वो, और मेरे को भी हो रहा था कि भाई अब वापस होना चाहिए, तो आएंगे दोबारा आएंगे, अगली बार आएंगे हम लोग। हाँ, यहाँ तक आए यार यही बहुत, इतना तगड़ा लगा
सीरियसली बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। मतलब मैं बता नहीं पा रहा क्या फील कर रहे हैं हम लोग। और बर्फ पड़ रही है प्रॉपर, विंड स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, देखो लाल हो गया सब कुछ। 4 बजे शुरू कर दो, क्लाइमेट तुम्हारा साथ देगा, बट एंड जो है जल्दी करो क्योंकि इवनिंग में क्लाइमेट बहुत रैपिडली चेंज होता है, क्लाउड्स नीचे आते हैं और मतलब अनप्रेडिक्टेबल होता है यार, कुछ भी हो सकता है। और ये बादल पूरा, अभी तो हमें नीचे जाना है, नीचे का भी नहीं पता क्या सीन है कैसा है, जाते हुए अंधेरा भी होगा, हम जल्दी से निकलते हैं। अब तो यहाँ देख के यार सीरियसली बता नहीं पाएगा थोड़े देर बाद कि यहाँ पे पहाड़ भी है, पूरा वाइट वाइट कुछ है ही नहीं। सही बात है, हो सकता है मेडिटेशन टाइप करें आए हैं तो। एंड वी आर साइनिंग ऑफ, दिस वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस टू अस। वी बोथ स्टार्टेड फ्रॉम ऋषिकेश, नीलकंठ का वो वाला ट्रैक करा था हमने नीलकंठ मंदिर का, और अब एंड पहाड़ की तरफ आ गए। सांस लेने मारी है दिक्कत, मतलब जैसे वो तेज हवा आती है ना तो तेज हवा में सांस नहीं ले जाती। अब भागते हैं। अरे अरे अरे, ये इसलिए कहते हैं व्लॉग नहीं बनाना चाहिए। जाओ जाओ जाओ, बढ़िया।